माई चैनल, कैसे हैं आप सब। और आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, दिवाली के बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बट आज मैंने सोचा है कि आज अपलोड की जाए क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी और मेरे पास ये मेमोरी भी रह जाएगी और हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है यहाँ पे। तो पहले मुझे विश करो सब हैप्पी एनिवर्सरी। तो अभी मैं किचन में लगी हूँ खाना बनाने के लिए कि क्या क्या बनाना है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने कल प्रिपेयर करके रख दी थी और कुछ कुछ मैं आज प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़े से अपने फ्रेंड्स को बुलाया है यहाँ पे शाम को डिनर के लिए। तो और रात में फ्रेंड्स भी आए थे हमें सरप्राइज़ देने के लिए, उस टाइम मैं वीडियो ले नहीं पाई, बट मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी और आप लोग इसको एंजॉय करना। उसके बाद आई है सोनम आज हमारे घर मेरी हेल्प कराने के लिए, ठीक है। आज का मास्टर शेफ हमारा सोनम है और जो सोनम है वो बना रही है क्या कबाब, मटर के कबाब। तो देखते हैं कैसा बनाएगी अभी, ऐसे रेसिपी भी सीखेंगे हम आज। ये है पालक और मटर को इसने बॉईल करके पीस लिया, दरदरा गोभी, गाजर, बेसन और ब्रेड, पनीर और क्या जाएगा इसमें, आलू बॉयल्ड, मैदा, हाँ, और आलू हमारा बॉयल होने लग रहा है। भाई ये राजस्थान गया, इससे मैंने बहुत कुछ सीखना है बनाना। गट्टे वाली कढ़ी जो तुम्हारे यहाँ की स्पेशल होती है, एक दाल बाटी चूरमा, तुम्हें आता है वो, हाँ अभी तो बनाएगी तू एक दिन। और भाई जिसने सारी वेजीज को रोस्ट किया है इसमें, और ये है बेसन इसने जो भूना है, इसको भी मिक्स करेगी और इसके अंदर पनीर और एक बॉयल्ड आलू भी डालना है। भाई ये हरा भरा कबाब काजू के साथ लगा के मैडम ने कर दिया है रेडी, और अभी फ्राई करेंगे इसको। वैसे हम इसको बेक भी कर सकते थे, चलो फ्राई करेंगे। ये भाई हमारे हरा भरा कबाब बन के हो गए हैं रेडी, और अभी हम लोगों ने खाना बना के अभी हम होने लग रहे हैं रेडी। तो मैंने आज ये वाली ड्रेस डाली है सुंदर सी और मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी की आज मैंने कैसी ड्रेस डाली है। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो आप चेक करके लाते हैं भाई नींबू। हाँ ये ग्रीन ग्रीन मत लेके आया करो, येलो वाले लेके आया करो, मैंने आपको हमेशा बोला है। ये 3 points मतलब होता है लगभग 24 घंटे में बताएगा। लेकिन मैं सब यूएस में ही रहना है, दूसरा देश नहीं जाना, अब यूएस में